फिर स्वागत है शेयर के बाजार में। उस वीडियो में मैं जिस शेयर की बात करने वाला हूँ, ये 30 रुपए से भी नीचे आ चुका है, और अगर इसे आपने अपने पोर्टफोलियो में रखा तो ये काफी अच्छा यूज में रिटर्न आप लोगों को देगा। मतलब आपने जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करी, अगर 29 रुपए के आसपास जो ये रेट चल रहा है, इसमें आप इसका अमाउंट का डबल भी पा सकते हैं। मैं किस वजह से कह रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ। हाथवे केबल कंपनी 1959 में स्टार्ट हुई थी, स्मॉल कैपिटल कंपनी है। सबसे मेन बात है स्मॉल कैपिटल कंपनी, जब ये लार्ज कैपिटल कंपनी बनेगी तो आपका अमाउंट जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी में, आपका कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है आप जान सकते हैं। इसी वजह से स्मॉल कैपिटल कंपनी है, 2739 करोड़ का मार्केट कैपिटल, सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है DTH केबल सेक्टर में, और इससे इसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और जैसे कि आप इसकी वेबसाइट पर आके अगर मैं देखूँ तो काफ़ी चीपेस्ट प्राइस में ये अनेवेबल कराती है लोगों को, जैसे कि डिश टीवी भी प्रोवाइड नहीं करवाती, वो उस रेट में ये HD क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप लोग पर डिलीवर करती है। ठीक है, जैसे कि आप इनकी वेबसाइट पे देखें, काफ़ी खूबसूरत वेबसाइट है और इनकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। और जान लेते हैं कि अभी जो ये 40 के अबव जो रेट जो चला था, और मेरे काफ़ी दोस्तों का इन्वेस्टर का इसमें जो 40 से अबव का जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था, कि सोचा कि 100 के आसपास जाएगा, अभी ये कंडीशन 30 के आसपास कैसे आ गया वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा जान लेते हैं कि अभी जो इसके रिसेंट के जो प्राइस क्या चल रहे हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अभी BSE पे इसका रेट चल रहा है 28.90 रुपये, और NSE पे 29.30 रुपये के आसपास में चल रहा है, और आज का हाई इसने मारा है 30 रुपये के आसपास में। और अगर मैं इसकी कंपेरिजन करूँ एक साल के साथ में, तो आप लोगों को साफ साफ दिखेगा कि इसने हाई मारा था 40 रुपीज़ के आसपास में, जो कि एक बहुत ही यूज अमाउंट में, और इसका अगर लॉ भी आप देखेंगे तो 15 रुपये के आसपास में। तो मैं इसमें क्यों आप लोगों को कह रहा हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, उसके पीछे का रीज़न मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ बिल्कुल मेन तरीके से। आप लोगों को आना है इसकी मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर, लेकिन मैं आप लोगों को साफ साफ दिखा देता हूँ यहीं पर। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने मार्च 2014 में 152 करोड़ के आसपास में लगाई थी, उस पर इन्होंने अच्छा खासा रिजर्व अपने पास 924 करोड़ का रखा था, फिर वो डे बाय डे इंक्रीज़ करा, और फिर अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए इन्होंने उसे इंक्रीज़ भी किया है डे बाय डे। और मार्च 2018 की अगर बात की जाए तो 1053 करोड़ के आसपास में इसका रिजर्व हो चुका है, और जो कि कैपिटल इनकी 166 के आसपास में, तो ये कंपनी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर मैं बात कर लूँ इनकी बोरिंग्स की, तो बोरिंग्स भी इन्होंने कम करी है अपनी काफ़ी ज़्यादा। मार्च 2017 में 586 करोड़ के आसपास था, ये 483 करोड़ के आसपास रहा है। जिस मेन रेंज की मैं बात करने वाला हूँ, मार्च 2015 में जो इनका इतना ज़्यादा रेवेन्यू इनका जनरेट हुआ था अच्छा खासा 1000 करोड़ का, वो अभी आके बिल्कुल हाफ हो चुका है। तो ये थोड़ा सा कंपनी का थोड़ी परेशानी की बात है, लेकिन इनकी इंटरनेट की स्पीड, और अगर मैं बात कर लूँ इनके केबल कनेक्शंस की, तो ये काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्मेंस है, और इसमें मुझे लग रहा है कि अभी अप्रैल के बाद इसका परफॉर्मेंस बढ़ने वाला है, क्योंकि अब भी इसके रीजन का मैं आप लोगों को दिखा दूँ किस वजह से बढ़ेगा। काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं तो वो काफ़ी परेशानी में डाल रहे हैं, और इसके मेन रीजन मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें तेज़ी किस वजह से होगी, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अभी NSE की वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ, और यहाँ पे लोगों ने इसकी डिलीवरी उठानी स्टार्ट कर दी। 35% का अच्छा खासा डिलीवरी बेस पे इन्होंने ट्रेड उठानी स्टार्ट कर दी, तो यहाँ पे अच्छा सिग्नल दिखाता है। और अगर मैं दूसरी वेबसाइट पे भी लेके आऊँ तो वहाँ पे भी इसे अच्छा रिकमेंडेशन दिया गया, इसे बाय करने की रिकमेंडेशन दी गई है कि ये इस रेट में सही रेट में अभी आप लोगों को मिल रहा है। अगर इसे अगर ये फिर भी 25 या 20 के आसपास भी स्लिप करता है, तो आप लोगों को बहुत से अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें बाय करने की। थोड़ी सी चीज़ आप लोगों को दिखाइए, और अभी मैंने इसमें रिसेंटली देखा कैलकुलेट करके BSE और NSE की ट्रेड वॉल्यूम्स को कैलकुलेट करके, तो ये अप्रॉक्स 3 लाख के आसपास में आ रही है, क्योंकि अगर इनके एवरेज की अगर मान के चल रहे 3 लाख के ट्रेड के हिसाब से, तो ये भी अच्छी खासी बढ़ी है, 15-16% आसपास बढ़ी है, तो ये अच्छे संकेत दिखाते हैं। और आप लोग कह रहे हैं कुछ न्यूज़ आई है क्या कि जिस वजह से ये बढ़ा है इतना ज़्यादा, तो मैं आप लोगों को बता दूँ अभी इनके रिजल्ट ही आए हैं, जो कि थोड़ा सा क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से थोड़ा सा इन्होंने डिसअपॉइंट जरूर किया है, कि जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ा सा इन्होंने अपने क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से 3-4 करोड़ का आसपास का वो काम कर रखा है, लेकिन आने वाले अगर टाइम की हम डिमांड के हिसाब से करें तो ये अच्छा खासा अपना अचीवमेंट पा सकती है, और ये काफ़ी अच्छी तरह से उभर सकती है कंपनी। और हाथवे केबल ये तो लोगों की नीड होने वाली, मतलब अगर लोगों की नीड अगर हमने पकड़ ली तो हम समझ लेते हैं कि हाँ ये कंपनी है, ये अच्छा परफॉर्म करेगी, तो जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, और ये इंक्रीज़ करेगी। तो मैं आप लोगों को फिर से ध्यान का घुमाना चाहूँगा कि स्मॉल कैपिटल कंपनी है, तो यहाँ से इंक्रीज़ करने के चांसेस के काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए।